धौलपुर जिले की दिनभर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। शराब माफियाओं ने किया आबकारी दल पर हमला, 5 घायल। धौलपुर शहर के सदर थाना इलाके में स्थित आदर्श नगर गांव में आज अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करने गई आबकारी विभाग की टीम पर शराब माफियाओं ने हमला कर दिया, जिसमें आबकारी निरीक्षक सहित 5 कर्मी घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय धौलपुर में भर्ती कराया गया है, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हमले की जानकारी देते हुए आबकारी विभाग के सहायक अधिकारी राणा प्रताप सिंह ने बताया कि आबकारी निरीक्षक तपेश जैन के नेतृत्व में आज सुबह एक दल को आदर्श नगर गांव में भट्टियों में बनाई जा रही अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भेजा गया। बीते दिनों की गई कार्रवाई में भारी मात्रा में शराब नष्ट करने के बाद एक बार फिर से विभाग को उसी गाँव में नए सिरे से शराब बनाने की सूचना मिली थी। इस पर आज तड़के टीम गाँव में भेजी गई। जैसे टीम गांव में पहुंची तो वहां पहले से घात लगाकर एक घर में बैठे माफियाओं ने आबकारी दल को घेरकर उस पर पथराव कर दिया। साथ ही माफियाओं ने लाठियां भाजी। इस हमले में आबकारी निरीक्षक सहित दल के 5 लोग घायल हो गए। इस दौरान शराब माफियाओं ने सरकारी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ कर दी। आबकारी विभाग के सहायक अधिकारी ने बताया कि हमला करने वाले लोगों को चिन्हित कर लिया गया है, जिनके खिलाफ सदर थाना पुलिस की मदद से कार्रवाई की जाएगी। शराब माफियाओं के हमले में आबकारी दल के सागरमल, ओम प्रकाश, योगेंद्र, ब्रजमोहन आदि घायल हुए हैं। अवैध शराब की सूचना पे हमारी टीम आज सुबह कुछगांव आदर्श नगर में रेड के लिए गई थी। अचानक एक मकान की तलाशी लेते वक्त कुछ ग्रामीण युवक थे, जिन्होंने पथराव कर दिया और हमारे सिपाहियों के साथ हाथापाई करने लगे। इस दौरान हमारे कुछ एक दो सिपाहियों को और हमारे पेट्रोलिंग ऑफिसर हैं, उनको पैर में चोट आई है और शराब की तलाशी अमूमन कुछगांव में पहले भी की है। अभी कुछ दिन पहले भी पुलिस के साथ संयुक्त रेड कार्रवाई की गई थी और जो चिन्हित किए गए हैं, किन लोगों ने हमला किया है सर, कुछ तरह पर जिस मकान की तलाशी ली जा रही है उनके नाम तो हैं और बाकी और पुलिस के साथ मिलकर के और इसकी जांच की जाएगी कौन कौन लोग। कलेक्टर ने लॉकडाउन की व्यवस्थाओं का लिया जायजा, व्यवस्थाओं पर जताई संतुष्टि। धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल रविवार दोपहर कोरोना वायरस को लेकर घोषित लॉकडाउन की व्यवस्थाओं का जायजा लेने रायखेड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने राजकीय महाविद्यालय के नवीन भवन में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर का निरीक्षण किया। इसके बाद पुलिस चौकी टाउन से मुख्य बाजारों में सभी रास्तों पर लगाई गई बैरिकेड्स का भी निरीक्षण कर उनमें पाई गई खामियों को सुधारने के निर्देश दिए, जिससे पैदल बाजार में प्रवेश करने वाले नागरिकों को कोई परेशानी न हो। बाजारों में वाहन को रोकने के प्रयासों की उन्होंने सराहना की, लेकिन लॉकडाउन की 100% पालना के साथ सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित कराने के लिए उन्होंने अधिकारियों को लगातार भ्रमण करते रहने के लिए निर्देश दिए। साथ ही जो व्यापारी इसके लिए बनाए गए मार्गों की पालना नहीं कर रहे हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई करने के उपखंड अधिकारी संतोष गोयल को निर्देश दिए। थाना अधिकारी राजाराम को बेवजह वाहनों से घूमते मिले लोगों के वाहनों को जब्त करने, गलियों में गश्त कर लोगों को एक साथ बैठने से रोकने, झुंड बनाकर घूम रहे लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। विकास अधिकारी व नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को निर्देश दिए कि शहरी और ग्रामीण इलाकों में हर गतिविधि पर निगाह रखी जाए और कोई पात्र या गरीब व्यक्ति भोजन या खाद्यान्न की कमी से भूखा न रह पाए। सैंपू हॉस्पिटल फर्जीवाड़ा मामले में हाजिरी भेजने वाला मैटर्न भी है दोषी। सैंपू सीएससी प्रभारी डॉक्टर चरणजीत के द्वारा किए गए फर्जीवाड़े प्रकरण में आज 5 सदस्यीय टीम जांच के लिए हॉस्पिटल पहुंची। डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर चित्रा मीणा के नेतृत्व में जिला प्रशासन की ओर से डबल एओ उत्तम सिंह, अकाउंटेंट भूपेंद्र जाधव सहित टीम में शामिल कार्मिक गहनता से जांच में जुटे रहे। दवा काउंटर पर जमा मरीजों के पर्चे व वेतन स्लिप के अलावा हर पहलू पर बारीकी से जांच की गई है। इसके साथ ही यहां कुछ डॉक्टरों के बयान भी दर्ज किए गए। इस पूरे मामले में फर्जीवाड़े के बीच दोषियों को बख्शा नहीं आए, जिसके लिए जिला कलेक्टर के द्वारा कमान कस दी गई है और अनुपस्थित चल रहे डॉक्टर के वेतन बनाने में शामिल हाजिरी भेजने वाले मैटर्न से लेकर अकाउंटेंट भी दोषी है, उनके खिलाफ भी फर्जीवाड़े में शामिल रहते हुए सख्त कार्रवाई हो सकती है। आपको बता दें कि हॉस्पिटल में अनुपस्थित चल रहे डॉक्टर दयाराम यादव के हाजिरी कॉलम में सीएससी प्रभारी डॉक्टर चरणजीत सिंह के द्वारा फर्जी तरीके से हस्ताक्षर कर घोटाले की साजिश रची गई है और घर बैठे ही डॉक्टर दयाराम यादव को करीब 6 माह का लाखों रुपए का वेतन उठा दिया। इस पूरे घोटाले का आपके अपने जिले के लोकप्रिय चैनल फर्स्ट टैग धौलपुर ने पर्दाफाश कर दिया, जिसके बाद विभाग के अधिकारियों की आंख खुल गई और जिला कलेक्टर की ओर से संज्ञान लेते हुए 17 CC की कार्रवाई करते हुए चार्जशीट सौंपी गई है। साथ ही 5 सदस्यीय टीम जांच कर कार्रवाई करने में जुटी हुई है। शिकायत पर श्रीमान मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर के निर्देशानुसार मैं डिप्टी CMHO डॉक्टर CR मीणा, WO श्री उत्तम जी एवं भूपेंद्र तिवारी जी और हमारे 2 कार्मिक और जांच जो उपस्थित हुए हैं, और जांच के बाद ही पश्चात ही पता लगेगा कि क्या क्या अनियमितता यहाँ बरती गई हैं।
या नहीं, इस हेतु हमने CSC सेपऊ का हाजिरी रजिस्टर और वेतन बिल और इससे संबंधित समस्त आउटडोर के पर्चे और जांच के पर्चे इकट्ठे कर लिए, जिनकी जांच की जा रही है। तुरंत ही रिपोर्ट, बहुत जल्द रिपोर्ट तो कुछ अधिकारियों को प्रेषित कर दी। प्रथम दृष्टया अच्छा भ्रष्टाचार के मामले लेके आ रहा है ना, ये पूरा मामला प्रकरण की जांच के बाद ही लगेगा। जो दस्तावेज हमने लिए हैं उनकी जांच की जा रही है। कल सामने उसी 17 CC का नोटिस भी जारी किया इस मामले में, इस बारे में मुझे अभी तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं है। अनियमितताएं मिलने पर राशन डीलर का लाइसेंस निलंबित। एक ओर जहां कोरोना वायरस से लड़ने में प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद दिख रहा है, वहीं धौलपुर जिले में राशन डीलरों द्वारा लगातार लापरवाही बरतते हुए जरूरतमंद लोगों तक राशन सामग्री नहीं पहुंचाई जा रही है। इसी की शिकायत पर रसद विभाग धौलपुर ने बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र के सलेमपुर गाँव में संचालित डीलर के लाइसेंस को निलंबित किया है और इस ग्राम पंचायत के राशन वितरण की जिम्मेदारी अन्य डीलर को दी गई है। जिला रसद अधिकारी धौलपुर ने बताया कि बसेड़ी कस्बे के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सलेमपुर में राधा रानी स्वयं सहायता समूह द्वारा राशन डीलर की दुकान संचालित की जा रही थी, जिस पर लोगों को ना तो राशन सामग्री दी जा रही थी और ना ही कार्डों का उचित विवरण प्रपत्र में तैयार था। इसको लेकर ग्रामीणों ने इसकी शिकायत दी थी, जिस पर क्षेत्रीय प्रवर्तन निरीक्षक को पूरे मामले की जांच करने के आदेश दिए। क्षेत्रीय प्रवर्तन निरीक्षक गजेंद्र शर्मा द्वारा पूरे मामले की जांच की गई, जिसमें राशन डीलर के द्वारा लापरवाही बरतने और लोगों को राशन नहीं देने की शिकायत को सही पाया गया, जिस पर इसकी जांच रिपोर्ट जिला रसद अधिकारी ज्ञान प्रकाश शर्मा को सौंपी गई। मामले में लापरवाही बरतने के दोषी पाए गए राशन डीलर राधा रानी स्वयं सहायता समूह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसका लाइसेंस निलंबित कर दिया गया। वहीं स्थानीय लोगों को समय पर राशन मिले इसके लिए दूसरे डीलर को राशन वितरण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शिकायत प्राप्त हुई थी, उस शिकायत के आधार पर क्षेत्रीय इंस्पेक्टर से जांच करवाई गई, जांच में वो दोषी पाया गया और दोषी पाए जाने पर उसके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई और उसे निलंबित कर हटा दिया गया और उसके पास की जो डीलर है नजदीकी डीलर उसके साथ इसकी दुकान का अटैचमेंट करा के उन उपभोक्ताओं का जो उस दुकान से अटैच थे अब इस दुकान से उसका वितरण उपभोक्ताओं में कराया जाएगा ताकि लोगों को राहत मिल सके और उस दोषी डीलर को हटा दिया जाए। कोई कानूनी कार्रवाई सर इसमें करेंगे? कानूनी कार्रवाई निलंबित कर दी गई, आगे जैसे और कुछ होगा तो और भी नियमानुसार कार्रवाई अमल में रहेगी। बसैनवा में उड़ रही लॉकडाउन की धज्जियां, कालाबाजारी भी जोरों पर। बसैनवा कस्बे में सरेआम लॉकडाउन की खुलेआम धज्जियां उड़ रही हैं। बाजार में सुबह सामान की दुकानें खुलते ही खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। यहां दुकानों पर समूह के रूप में लोगों की भीड़ जुटते हुए देखा जा रहा है। दुकानदारों की ओर से लॉकडाउन की पालना नहीं की जा रही है। सोशल डिस्टेंस के अलावा दुकानों पर कोरोना वायरस से बचाव के लिए किसी भी नियम की पालना नहीं की जा रही है। ना तो दुकानदार आने वाले ग्राहकों के हाथ धुला रहे हैं और ना ही खुद मास्क लगाकर दुकान पर बैठ रहे हैं, जिसके चलते लोगों के लिए संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। लॉकडाउन की आड़ में परचून दुकानदार खास सामग्री की कालाबाजारी करने में जुटे हुए हैं। दुकानदारों के द्वारा दाल चीनी सहित अन्य कई राशन की सामग्री काफी महंगी रेट पर बेची जा रही है। वहीं गुटखा की बात करें तो दुकानदारों के द्वारा सारी हदें पार कर दी गई हैं। 5 रुपए का गुटखा 15 रुपए में बेचा जा रहा है। कस्बा के लोगों ने बढ़ती कालाबाजारी पर प्रतिबंध लगाने तथा लॉकडाउन की पालना कराने के लिए जिला कलेक्टर सहित पुलिस अधीक्षक से मांग की गई है। एक इंजेक्शन द्वारा बवासीर जड़ से खत्म, कांच निकलना, भगंदर, फिशर पर स्थायी उपचार, लेजर एवं शार शल्य द्वारा शिविर प्रत्येक माह की 9 एवं 20 तारीख को रतन शांति गेट हाउस, स्टेशन रोड, धौलपुर। डॉक्टर AKS राठौर, मुंबई, MD शल्य तंत्र। मोबाइल नंबर 7000025053, 9165741677। अब कोचिंग करिए, वह भी फीस में भारी छूट के साथ। हिम आयर कोचिंग ने सीमित समय के लिए दी है फीस में बड़ी छूट। BSTC मात्र 1099 की फीस में, JET 6499 व पुलिस की कोचिंग मात्र 2500 रुपए फीस में। जल्दी करिए, स्थान सीमित है। इसके अलावा पटवारी व BEd आदि की भी कोचिंग कराई जाती है। डायरेक्टर गुड्डू सिंह, सुपरवाइजर, रीजनिंग स्पेशलिस्ट, व्यवस्थापक राघवेंद्र सिंह, पता RB पैलेस वाली गली, बस स्टैंड के पास, धौलपुर। 5 कच्चे घरों में लगी आग, हजारों का नुकसान। बसेड़ी क्षेत्र के गांव सलेमपुर में आज अज्ञात कारणों से 5 कच्चे घरों में आग लग गई, जिससे हजारों रुपए का घरेलू सामान जलकर राख हो गया। घटना की सूचना पर दमकल मौके पर पहुंची, जिससे आग पर काबू पाया जा सका। जानकारी के मुताबिक रामेश्वर पुत्र माता प्रसाद कुशवा
बिदरिया पुत्र सोना कुशवा, बच्चू पुत्र बद्री कुशवा, सियाराम पुत्र शिवचरण कुशवा व माया पत्नी शिवचरण के यहाँ आग लगने से चारा, अनाज, गेहूँ, चारपाई, बर्तन, बिस्तर, कपड़े, झोंपड़ी आदि जलकर राख हो गए। हल्का पटवारी ने मौके पर पहुंचकर पीड़ितों के नुकसान का आकलन कर सहायता फॉर्म भरवाया। कैसे लगी आग? मतलब भैया पहले लगे भंडार खेती में लगे थे, पहले खेती में थे हम लगे तभी लगे लगे मतलब आग दी के तब भर के आए सब गृहस्थी के सामान वहाँ सब। हाँ तो क्या क्या था? आटो नाज पानी सब जही वहाँ और कपाल लत्ता तना का सब कपाल लत्ता रजाई गद्दा पाँच चार खाटे सब रुपयों के लेनदेन को लेकर झगड़ा, तीन घायल। सैपू थाना क्षेत्र के झिलरा गांव में आए दो पक्षों के बीच रुपयों के लेनदेन को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों पर हमला कर दिया, जिससे एक परिवार के माँ बेटा सहित तीन लोग घायल हो गए। तीनों घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैपू पर भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक नरेश पुत्र अजब सिंह, उसकी माँ पप्पू देवी तथा उसका भाई नरेंद्र की पत्नी सुनीता घायल हुई है। पीड़ित नरेश ने बताया कि उनके द्वारा गांव के ही धर्मेंद्र देवेंद्र कृष्णा आदि को भूसा बेचा था। भूसा के रुपए मांगने पर इन लोगों ने झगड़ा कर दिया और एक राय होकर उसकी मां पर कुल्हाड़ी से वार करते हुए परिवार के तीन लोगों के साथ मारपीट कर घायल कर दिया है। बाड़ी कस्बे के वार्ड नंबर 1 के रानपुरा गाँव में पातिराम गुर्जर पुत्र सिरमौर गुर्जर निवासी रानपुर की गेहूं की कटी रखी फसल में आज दोपहर 3 बजे अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिसे ग्रामीणों ने काफी बुझाने का प्रयास किया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक पीड़ित की 1.5 बीघा फसल जलकर राख हो गई। पूरी घटना में गनीमत ये रही कि ग्रामीणों के सहयोग से इंजनों से पानी सप्लाई देकर आग पर काबू पा लिया गया, नहीं तो आसपास काफी खेतों में रखी फसल जलकर राख हो जाती। फसल जलने से पीड़ित पातिराम के सामने आर्थिक संकट भी मंडराने लगा है, क्योंकि किसान की पूरी साल भर की मेहनत जलकर राख हो चुकी है। घटना स्थल पर रानपुर गांव के सरपंच ओमबीर गुर्जर भी पहुंच गए, जिन्होंने ग्रामीणों के साथ आग को बुझाने में काफी प्रयास किया। सरपंच ओमबीर गुर्जर द्वारा पीड़ित परिवार को सरकारी सहायता दिलाने का भी आश्वासन दिया गया है। रक्तदान शिविर में युवाओं ने किया 35 यूनिट रक्तदान। जिला अस्पताल धौलपुर की ब्लड बैंक में रक्त की कमी के चलते आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 35 यूनिट रक्तदान किया गया। रक्तदान शिविर की खास बात ये रही कि सभी रक्तदाताओं ने फेस मास्क लगाकर व सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए रक्तदान किया। इस अवसर पर मां रहने वाली भक्त सेवा समिति के राजीव गर्ग, अग्रवाल फाउंडेशन के रोहित मंगल, ब्लड 24x7 हेल्प धौलपुर के कमल ठाकुर, अग्रवा फ्रेंड्स क्लब मनिया के कमल किशोर बंसल व कंचन कल्याण समिति के रामू दुबे के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मोटिवेटर मुकेश शर्मा ने बताया कि कोरोना के इस समय में 35 यूनिट रक्त 500 यूनिट के बराबर है। राजीव गर्ग ने कहा कि लॉकडाउन के कारण स्वैच्छिक रक्तदान नहीं होने से ब्लड बैंक में रक्त की कमी आ गई थी। ब्लड 24x7 हेल्प धौलपुर के फाउंडर कमल ठाकुर ने कहा कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए भीड़ न जुटना ही कारगर है। इस मौके पर मोहित सिंगल, नंद किशोर शुक्ला, महेंद्र दुबे कृष्णा, अंकित मित्तल, चंद्रभान शर्मा, जीतेश पवन शर्मा, राजकुमार दीक्षित, संदीप बंसल, धीरज भगवान दास, विपिन गर्ग, गगन मित्तल, संतोष गिरी, सुनील बंसल, अमित बंसल, गजेंद्र सिंगल, इमान खान आदि मौजूद रहे। कोरोना के संक्रमण को रोकने महिलाएं भी आई आगे, कपड़े के मास्क बनाकर निःशुल्क कर रही वितरित। वैसे तो कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने को लेकर सरकार, प्रशासन और समाजसेवी संगठनों की ओर से काफी प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन धौलपुर शहर में महिलाएं भी इसे लेकर गंभीर दिख रही हैं। इसलिए धौलपुर शहर के कालीमई मंदिर के सामने स्थित गांडील मोहल्ले की लक्ष्मी गुप्ता, सुनीता अग्रवाल, गुंजन प्रजापति, सुनीता गोयल आदि घर पर ही कपड़े के मास्क बनाकर लोगों को निःशुल्क वितरित कर रही हैं, ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। लक्ष्मी गुप्ता के पति अमित कुमार गुप्ता ने बताया कि पिछले 3 दिन में इन महिलाओं की ओर से करीब 550 मास्क बनाए गए, जिन्हें शहर के बजरिया, मंडी, जगन चौराया, हरदेव नगर, कोतवाली थाना आदि इलाकों में निःशुल्क वितरित किया गया। उन्होंने बताया कि इस कार्य में 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली मेरी बेटी खुशी गुप्ता भी पूरे मन से सहयोग कर रही है, वह भी कोरोना महामारी के भयावह रूप को समझ रही है। बसेड़ी पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर 22 बाइकों के किए चालान, मास्क नहीं लगाने पर 16 जनों को पाबंद कराने SDM को लिखा पत्र। धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल के सख्त निर्देश के बाद बसेड़ी पुलिस सहित प्रशासनिक अमला आज हरकत में आया। बसेड़ी थाना प्रभारी ललूराम मीणा के नेतृत्व में आज पुलिस के जवानों ने सख्ती दिखाई, जिसमें लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर 2 दिन में 22 दोपहिया वाहनों को MB एक्ट में जब्त का चालान किया। इसके अलावा बाजार में बिना मास्क लगाए 16 जने घूमते हुए पुलिस को मिले, जिस पर पुलिस ने सभी के नाम पते रिकॉर्ड में दर्ज कर लिए। उसके बाद थाना प्रभारी ने SDM को 16 जनों को भारी जमानत मुचलके पर पाबंद कराए जाने को लेकर पत्र लिखा है। धौलपुर में ही बनवाए सस्ता व अच्छा फर्नीचर, अब आप अपने धौलपुर में ही खरीद सकते हैं सस्ते दामों में मनपसंद अच्छा और टिकाऊ फर्नीचर, वह भी आगरा की कीमत में।
अब आ गया है आपके धौलपुर में फर्नीचर का विशाल शोरूम, जो देगा आपकी लाडली बिटिया को विवाह में मजबूत मॉडर्न एवं फैंसी आकर्षक फर्नीचर, वह भी आपकी पसंद के डिजाइन में तैयार करके। हमारे यहाँ सागवान, शीशम, साल एवं अन्य कीमती लकड़ी से फर्नीचर तैयार किया जाता है, इसलिए मजबूत, सुंदर, टिकाऊ और आकर्षक फर्नीचर लेने के लिए एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। पता: ब्रज माधव फर्नीचर हाउस, उम्मेदी नगर, कालीमाई रोड, राजाखेड़ा बाईपास, धौलपुर। हमारे यहाँ फर्नीचर को घर तक पहुँचाने की भी सुविधा उपलब्ध है, एक बार जरूर पधारें। पंडित दाऊदयाल शास्त्री व गोविंद शर्मा, पहाड़ी वालों की दुकान, ब्रज माधव फर्नीचर हाउस, राजाखेड़ा बाईपास, धौलपुर। पर पीएमओ ने किया क्वारंटाइन सेंटरों का निरीक्षण। कोरोना महामारी को मद्देनजर रखते हुए धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश जायसवाल के निर्देशानुसार बाड़ी उपखंड के अंतर्गत बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हांसई के शारदे छात्रावास एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय छात्रावास का औचक निरीक्षण बाड़ी सामान्य चिकित्सालय के पीएमओ डॉक्टर शिवदयाल मंगल व डॉक्टर दिनेश गौर द्वारा किया गया, जिसमें प्राथमिक मूलभूत सुविधाओं सहित अन्य सभी व्यवस्थाओं को चेक किया गया, जिसमें व्यवस्थाएं संतोषप्रद पाई गईं। निरीक्षण के दौरान पीएमओ डॉक्टर मंगल के साथ डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा, प्रदीप सिंह, अध्यापक अयूब खान, राजेश त्यागी, मेल नर्स अनंतराम आदि कार्मिक उपस्थित रहे। बाड़ी विधायक ने शैंपू भेजी सहायता सामग्री। बाड़ी विधानसभा क्षेत्र का कोई भी बासिंदा भूखा न सोए, इसको लेकर बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा द्वारा की गई अपील पर विधानसभा क्षेत्र के भामासा द्वारा एकत्रित की गई 55 लाख की राशि से सहायता अभियान भी लगातार जारी है। विधायक के इस सहायता अभियान की सामग्री बाड़ी के साथ सैंपू क्षेत्र में भी भेजी जा रही है। क्षेत्र के बामासा बेशलू मासलपुरिया ने बताया कि सैंपू विकास अधिकारी रामफूल सिंह ने विधायक से पंचायत समिति क्षेत्र की विभिन्न ग्राम पंचायतों में जरूरतमंद लोगों के लिए राशन किट उपलब्ध कराने का आग्रह किया था, जिस पर आज विधायक द्वारा 500 राशन किट 2 पिकअप गाड़ियों के माध्यम से सैंपू भेजी है, जो राशन सामग्री जरूरतमंद लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। इस मौके पर बाड़ी विधायक मलिंगा ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा, इसका संकल्प लिया गया है, साथ ही लोगों से घरों में रहने की अपील की। इस मौके पर भामासा मुकेश सिंगल अग्रोहा, नोनेरा वाले रामभरण शर्मा, मुन्नालाल मंगल, योगेश मंगल उर्फ मोनू आदि मौजूद रहे।